हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम देख रहे हैं एमपीपीएससी को 1990 से लेकर 2019 तक के ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम यहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा जो अभी टॉपिक है यहाँ पर है विज्ञान का, यानी विज्ञान का आज फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले हम 21 पार्ट देख चुके हैं और ये 2200 हमारा ये पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1990 से लेकर 2019 तक के सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, यानी सेपरेट सब्जेक्ट से रिलेटेड कि कौन कौन से सब्जेक्ट से किस किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इससे पहले क्या क्या देख चुके हैं, संविधान, भूगोल, इतिहास और पर्यावरण, और अब ये देख रहे हैं हम यहाँ पर विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से आए हैं। तो देखिए, पहला है कि बल का मात्रक क्या है। 1990 का दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है यहाँ पर न्यूटन। तो न्यूटन इसका राइट आंसर होगा, और संबंधित किसी जिसमें आवश्यकता होगी तो वहाँ पर हम अन्य फैक्ट भी आपको बताएंगे। जैसा कि सेकंड क्वेश्चन है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। 1993 का दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ओम। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि देखिए, जैसे कि जो विद्युत धारिता होती है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको बताऊँगा, वो ध्यान रखना है। विद्युत धारिता का जो मात्रक है वो होता है फेराड। विद्युत विभांतर का जो मात्रक है, देखिए विभांतर में, यानी देखिए यहाँ पर ये विभांतर में वी आ गया है, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है क्या, वोल्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। और विद्युत धारा का दोस्तों होता है क्या, एम्पियर, और विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, विद्युत धारिता फेराड, विद्युत विभांतर वोल्ट, विद्युत धारा एम्पियर, और विद्युत प्रतिरोध ओम। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, धारा और धारिता में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष इकाई है 2008 का दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो ये है दूरी की इकाई। ठीक है, अब देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है, और इसका जो मान होता है वो क्या होता है, 9.46 × 10^15। ठीक है, और ये मीटर में है। ठीक है, मीटर में भी होता है, सेंटीमीटर में भी होता है, तो मीटर में आप ध्यान रखोगे, इस प्रकार से है इसका मान। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं, कितने वाट होते हैं, तो 1991 का दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है 746 वोट। ठीक है, 746 वोट होते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से उलझाया गया था ये क्वेश्चन में, तो इसमें क्या है, देखिए जैसे कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर क्या होती है, शक्ति होती है, और शक्ति का मात्रक क्या है, जूल, या फिर जूल प्रति सेकंड। अब जूल प्रति सेकंड में जिस हम ये कार्य के जो कार्य के दर को मापते हैं, तो वही वाट होती है, यानी कि एक अश्व शक्ति बराबर 746 वोट। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई है। अब 2016 का क्वेश्चन है, तो दोस्तों इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पूछा है उष्मा की इकाई। ठीक है, तो उष्मा की इकाई है, तो इसमें इस प्रकार से लिखा है, तो इसे आप कर लीजिएगा कि उष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये हो गया है, तो इसे आप क्या करोगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की एक इकाई नहीं है, तो नहीं है तो ये है वोट, क्योंकि वोट उष्मा की इकाई नहीं है। ये किसकी इकाई है दोस्तों, ये है शक्ति का मापक है, यानी शक्ति का मात्रक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। 1990 का दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला, तो देखिए यहाँ पर आइडियोफोन और आइडियोमीटर में आपको कन्फ्यूज करेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर आइडियोमीटर, ऑडियोमीटर है। अब जो ऑडियोफोन है वो क्या है, फिर ऑडियोफोन, तो ऑडियोफोन है श्रवण शक्ति में सुधार हेतु, ठीक है, ये प्रयोग किया जाता है। और एनीमोमीटर क्या है, एनीमोमीटर वायु के वेग की गति को मापता है, ये हो गया एनीमोमीटर। और क्रोनोमीटर क्या होता है दोस्तों, क्रोनोमीटर होता है तापमान, आर्द्रता या वायुदाब को मापा जाता है इससे। नेक्स्ट है कि एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसका मापन करता है, 2012 का क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये पवन का वेग, पवन या हवा एक ही बात होती है। नेक्स्ट ये कि वायुमंडलीय दाब को मापने में यंत्र का उपयोग किया जाता है, सन 2000 का दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब किससे नापा जाता है दोस्तों, ये नापा जाता है बेरोमीटर से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बेरोमीटर। ठीक है, और बेरोमीटर में क्या होता है, पारा लगा होता है, एक पारा होता है, और ये अचानक जब नीचे आता है तो इसमें क्या है, तूफान का मौसम का संकेत यहाँ पर हमें मिल जाता है, अचानक नीचे आता है फिर धीरे धीरे नीचे आता है, तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण बेरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है, या फिर
होते हैं, है ना, 2016 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर पारा, ठीक है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसका यहाँ पर पारा तो राइट आंसर है, बाकी जो बेरोमीटर होता है तो बेरोमीटर में जल द्रव कुछ भी भरा जा सकता है, मतलब कि और भी प्रकार के यहाँ पर पदार्थ इसमें भरे जाते हैं। बाकी जो अधिकतर यानी साधारणतः हम यह देखते हैं कि पारा ही इसमें आता है, तो इसका पारा ही राइट आंसर होना चाहिए। बाकी कुछ लोगों ने मतलब इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी भी बताया था, तो आयोग ने उस टाइम ये क्वेश्चन को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया था। तो इसका हम राइट आंसर जो है यहाँ पर पारा ही मानेंगे। नेक्स्ट है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, 2006 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। अभी देखिए यहाँ पर विज्ञान के क्वेश्चन में आपको ये भी बताऊंगा कि किस किस प्रकार से, देखिए अब ये 2006 में पूछा गया है और इसी प्रकार के क्वेश्चन 2015, 16, 17 में भी पूछे गए हैं, यानी कि अभी जो हमारा विज्ञान के जो मौलिक सिद्धांत एड हुए हैं तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों ही पढ़ना है, और विज्ञान से हमेशा इसी प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि 2013 के बाद से भी सिलेबस चेंज हुआ था, यानी 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी ये 5 से 6 साल सिलेबस चेंज हुआ था, उसके पहले दूसरा सिलेबस था तब भी उसमें साइंस 8 था, तो साइंस के हमेशा इस प्रकार से ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहां पर एमपीपीएससी का लेवल समझने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यहां पर लैक्टोमीटर, ठीक है। और दूध में लैक्टोबैसिलस जीवाणु भी पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और लैक्टोमीटर क्या होता है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। अब जैसे ये ब्यूटी ब्यूटीरोमीटर है, यहां पर जैसे तीसरे नंबर पर ब्यूटीरोमीटर है, तो ये क्या करता है, दूध उत्पादकों में वसा का मात्रक है, यानी कि वसा को नापता है। नेक्स्ट है कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, देखिए अब ये 2015 में पूछा गया है सेम टू सेम क्वेश्चन, तो दोस्तों इसका भी जो राइट आंसर है वो यही होगा, लैक्टोमीटर। नेक्स्ट है कि सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, 1995 और 2015 में, यानी दो बार, देखिए 1995 में पूछा गया था, यानी कि 20 साल बाद फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आपको साइंस में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़ना है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर बनने लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पर है भूचाल, भूचाल का मतलब यही होता है भूकंप, यानी भूकंप मापक यंत्र कौन है, सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है कि फेदोमीटर का उपयोग किस नापने में किया जाता है, 2015 का दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है ये है समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि जहाज के ऊपर ये फेदोमीटर लगा होता है और फिर ये क्या है, किरण तरंगे समुद्र में यहाँ पर भेजता है और फिर वही टकरा कर ऊपर आती है, तो इससे पता लगाया जाता है कि कितनी यहाँ पर इसकी गहराई है, ठीक है दोस्तों। तो इसका हमारा हो गया है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, सन 2000 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि ऊर्जा को ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश हो सकता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, वो यही ऊर्जा संरक्षण की परिभाषा है। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, 2010 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सिद्धांत है वो सभी को पता है, चार्ल्स न्यूटन ने दिया था, और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि पृथ्वी ही नहीं विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी कि विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये उन्होंने बताया था अपने गुरुत्वाकर्षण में। और इसी के यही जो आकर्षण बल है, यही गुरुत्वाकर्षण बल है, सिंपल सा लॉजिक है, यानी कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं पदार्थ, और जो आकर्षण बल है, जो उन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल है, वही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही है, गुरुत्वाकर्षण बल है। नेक्स्ट है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो दोस्तों उसके जो जितने भी नियम हैं वो न्यूटन ने ही दिए थे, है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो न्यूटन ही होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, तो 1992 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। अब हमें ये नहीं बताया कि वायु चल रही है या नहीं चल रही, तो हम यहाँ पर वायु को क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे, यानी कि जो वायु का जो प्रतिरोध है हम मानेंगे कि शून्य है, ठीक है। तो उसका जो अब जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाएगी तो उसके भार में क्या होगा, तो वो क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहे, यानी कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारहीनता होती है, 1991 का दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण, यानी अगर वहाँ पर कोई भी जगह अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो वहाँ पर भारी नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पृथ्वी पर देखिए जैसे कि हम यहाँ पर पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण हमारा यहाँ वजन है। अभी आप चंद्रमा पर जाओगे तो आपका 1.6 हो जाएगा, यानी कि आपके वजन का 1.6 किलोग्राम वहाँ पर हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर और कम आपका भार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है, जहाँ पर भी गुरुत्वाकर्षण होगा, अगर भारहीनता है यानी अगर वहाँ भार ही नहीं है, आपका वजन ही नहीं है, तो समझ लो कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वजन है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पानी के एक गिलास
एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? देखिए ये बिल्कुल लॉजिकल वाले क्वेश्चन भी इस टाइप से पूछे जाते हैं, 2008 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है उतना ही रहेगा। उतना ही कैसे रहेगा, यहाँ पर देखिए पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ का टुकड़ा है यानी कि मान लो कि ये एक पानी का गिलास है, अब इसमें एक हमने यहाँ पर ये बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया है, तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि जब वो उसमें था तो उसका जो था पानी का भार से उसका जो भार था वो कम था, अब उसका भार यदि ज़्यादा भी हो जाता है, वो गिर भी जाता है उसमें, तो भी उसका कुछ परिवर्तन ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसका वजन को मिलाकर ही वो गिलास इतनी भरी हुई थी। ठीक है, क्योंकि देखिए अब इस पे एक नियम भी दिया है, आर्किमिडीज ने एक नियम दिया है कि वस्तु अपने भार के बराबर ही द्रव में स्थान घेरती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर, देखिए पहले क्या बोलते थे, सेल्सियस बोलते थे, है ना, पहले सेल्सियस यानी सेल्सियस बोलते थे, अब सेंटीग्रेड बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो 1999 का क्वेश्चन, तो मतलब कि क्या होगा, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा शरीर डूब जाएगा। अब शरीर क्यों डूब जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पानी का जो घनत्व है वो शरीर की उपेक्षा कम हो जाएगा, पानी का जो घनत्व है वो शरीर की उपेक्षा कम हो जाएगा, यानी कि शरीर का जो घनत्व है वो अधिक हो जाएगा, इसलिए वो पानी में डूब जाएगा, यानी कि वो जब तक ही तैरेगा जब तक क्या है शरीर का जो भार है वो पानी के भार से कम है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित, 2012 का ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्थित विज्ञान, देखिए स्थित विज्ञान यानी स्थिति विज्ञान यानी कि एक ही जगह ठहरा हुआ यानी विश्राम की स्थिति। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा विश्राम की स्थिति वाला होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं इतने ज़्यादा टफ नहीं आते, यदि आपने अगर कोई से भी जैसे कि आपने रेलवे स्पीड में से भी पढ़ा है तो भी आप आसानी से यहाँ पर कर दोगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और आपने जो 10th लेवल का पढ़ा है वो यहाँ पर पूछा जाता है। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग धैर्य होता है? देखिए तरंग धैर्य क्या होता है, जो यानी देखिए जैसे कि आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा होगा यहाँ पर 3 प्रकार के वो लगे रहते हैं, एक तो येलो और फिर उसके बाद में एक रेड और एक ग्रीन। ठीक है, 3 प्रकार के लगे रहते हैं, तो जो लाल रंग का जो चिन्ह है यानी कि लाल रंग की जो तरंग धैर्य है वो क्या होती है दोस्तों, सबसे ज़्यादा होती है। क्यों, यानी देखिए तरंग धैर्य का मतलब ये है कि जिसे सबसे ज़्यादा दूर से देखा जा सके, यानी कि अगर आप कम से कम 5 किलोमीटर दूर से भी देखोगे और लाल बत्ती अगर जल रही है तो वो आपको दिख जाएगी, बाकी अगर आप पीला कलर देखोगे तो वो आपको बहुत दूर से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो वही तरंग धैर्य होती है। तरंग धैर्य का मतलब ये है कि कौन कौन सा रंग मतलब ज़्यादा दूर से भी देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर लाल रंग। और सबसे कम कौन सा होगा, सबसे कम भी आपको ध्यान रखना है तो बैंगनी रंग का, यानी कि बैंगनी रंग को अगर आप 5 किलोमीटर दूर से देखोगे तो वो दिखाई ही नहीं देगा, बाकी लाल रंग आपको 5 से 6 7 यहाँ तक कि 10 किलोमीटर दूर से भी या इससे भी ज़्यादा से भी दिखाई दे सकता है, यानी कि जो जितनी ज़्यादा दूर से देख सकते हैं जिस रंग को तो वो उसका तरंग धैर्य होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये इसका जो राइट आंसर है वो नतोदार, और नतोदार को ही क्या कहते हैं, अवतल या अपसारी लेंस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब निकट दृष्टि दोष के लिए ये है तो फिर दूरदृष्टि दोष के लिए क्या होगा, दूरदृष्टि दोष के लिए होगा उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। नेक्स्ट है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है, 2017 का क्वेश्चन है, सभी को पता है इसका जो राइट आंसर है डायोप्टर, डायोप्टर से लेंस की क्षमता या फिर शक्ति मापी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, 2017 का क्वेश्चन है, सभी को इसका राइट आंसर पता है, दृष्टिपटल या रेटिना पर इसका जो चित्र है वो बनता है। अब देखिए इसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि अब देखिए ये 2014 में पूछा गया था, वो 2017 में पूछा गया था, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है रेटिना पर यानी दृष्टि पटल पर। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना होगा, अभी जो साइंस के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको उनके इंग्लिश वर्ड भी याद होना चाहिए, जैसे कि आपने देखा होगा कोशिका, तो कोशिका का आपको पता होना चाहिए कि इसे इंग्लिश में सेल बोलते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ सेल से भी पूछ सकते हैं। तो अभी क्या है, क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रेंड बदला है इस प्रकार से कि मतलब कि आपको कुछ कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके इंग्लिश वर्ड भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनोगे आपको पता ही नहीं कि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा इंग्लिश पे भी फोकस रखना होगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो। ठीक है, तो इंग्लिश के भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, यानी कि देखिए ये रेटिना को शुद्ध हिंदी में लिखा उधर आगे वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या लिखा, दृष्टि पटल। ठीक है, तो
तो दृष्टिपटल, यानी अगर कोई हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो तो उसने सिर्फ दृष्टिपटल पढ़ा है और रेटिना उसने पढ़ा ही नहीं आज तक, कार्निया वगैरह। तो ये आपको क्या करना है, जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं तो उनके इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना है, जैसे कि त्वरण को क्या कहते हैं, चाल को क्या कहते हैं, दूरी को क्या कहते हैं, है ना, इस प्रकार से और भी जो जो महत्वपूर्ण होते हैं। और साइंस साइंस से ही मतलब नहीं है, जैसे कि टेक्नोलॉजी का पेपर हुआ या फिर इन्वायरमेंट या पर्यावरण का कुछ पेपर हुआ, तो कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनको इंग्लिश में, उनके इंग्लिश के वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, 2015 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो प्राथमिक रंग है वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा है। इसके आप ट्रिक याद रखोगे, आर आर जी और ये हो गया बी, ठीक है, यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू। तो रेड ग्रीन ब्लू को छोड़कर कौन सा है यहाँ पर, काला, यानी ये नहीं है यहाँ पर प्राथमिक रंग। उसके बाद में तीन रंग मूल रंग है, तो ये मैंने आपको बताया था कौन कौन सा है। अब इसका जो राइट आंसर है ये है, देखिए यहाँ पर नीला, हरा और लाल, ठीक है, RGB। नेक्स्ट है संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, 2017 का दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हो सकता है गैस एवं द्रव में। तो संवहन संवहन द्वारा कहाँ कहाँ होता है, गैस और द्रव में। संवहन क्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर इसमें ठोस आ गया था, इसमें भी ठोस आ गया था और इसमें निर्वात में, ठीक है, तो इस प्रकार से ये गलत होगा, ये सी वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा ये कि कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट तापमान समान रहते हैं 1995 और 1994, दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये -40 डिग्री पर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए साइंस में क्या करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट कहीं भी मिले, चाहे रेलवे स्पीड हो आपके पास बुक, या फिर कोई सी और बुक हो, या फिर आपके पास घटनाचक्र पूर्वालोकन हो तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। क्योंकि देखिए घटनाचक्र पूर्वालोकन बहुत ही शानदार बुक है, इसलिए है क्योंकि उसमें हर प्रश्न के एंड में व्याख्या भी दी गई है, यानी कि प्रश्न दिया उसका उत्तर दिया है और फिर उसके बाद में व्याख्या दी गई है, यानी कि और बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ पर जानने को मिलती है, तो आप उसका भी यहाँ पर अध्ययन कर सकते हो। तो दोस्तों ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है ये आप बता सकते हो। और बाकी हमारे अभी जो आयोग वगैरह के हैं, आयोग है, खेलकूद है, इनकी जो अभी PDF है, हमने बोला था आपको 2-2 या 3-3 हज़ार क्वेश्चन इनके टाइप करवाएंगे, तो वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी 2 दिन बाद, तो हम आपको बता देंगे उसे आप किस प्रकार से ले सकते हो। उसके बाद में आप हमारे चैनल के साथ बन सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। देखिए दोस्तों हम जितना कर रहे हैं उतना शायद ही कोई कर रहा होगा, क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम पर आपको अलग अलग जो टेस्ट सीरीज में जो आयोजित होते हैं क्वेश्चन, तो उनके जो टेस्ट हैं वो भी आपको 1 तारीख से हम वहाँ पर देंगे, यानी कि आपके 100-100 क्वेश्चन वहाँ पर होंगे, यानी अलग अलग टेस्ट सीरीज के हमने क्वेश्चन लिए हैं, वो क्वेश्चन को हम वहाँ पर पूछेंगे। और अभी क्या कर रहे हैं, हम 40-40 प्रश्न अभी पूछ रहे हैं, और आने वाले समय में यानी कि पेपर के आने तक हम आपके कम से कम 15,000 ऑब्जेक्टिव के यहाँ ऑब्जेक्टिव आपके कम्प्लीट करा देंगे, ठीक है दोस्तों। और आपको कहीं भी ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ में यहाँ पर दोस्तों और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए बहुत से विद्यार्थी क्या है भटक जाते हैं, तो आपको भटकना नहीं है, ज़्यादा PDF के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए अपना जो मस्तिष्क है वो हमेशा बुक की चीज़ें ज़्यादा याद रखता है, यानी किताबी ज्ञान, यानी कि आपको किताबों से जितना अच्छा याद हो सकता है उतना कोई PDF वगैरह से नहीं हो सकता। यदि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है तो आप उसे निकला लीजिए या फिर उसका प्रिंटआउट निकला लीजिए, बाकी आप मोबाइल में रख कर मत रखिए, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है मोबाइल में रख के रखते हैं, वो पढ़ते कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना है, ना तो फेसबुक वगैरह में, सब आपका टाइम पास करने के लिए हैं सारे, बिल्कुल आपका पूरा टाइम पास हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यूट्यूब में भी वही चीज़ देखिए जो आपके काम की चीज़ें हैं, वो काम की चीज़ें नहीं हैं तो हटाइए, और आप टॉपिक से रिलेटेड फैक्ट वाइज अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए, वो लास्ट टाइम में आपको बहुत ही हेल्प होगा। तो आपको ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोई भी एक अच्छे से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको हज़ारों ग्रुप ज्वाइन करने की टेलीग्राम में। टेलीग्राम में भी आपको इतना भटकाव मिलेगा, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं कि उसमें दिन भर दे धड़ाधड़ PDF आती है, आप क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो इतना नहीं पढ़ना है, अच्छे से राइटर वगैरह की बुक ला लीजिए और घर ही पढ़िए अच्छे से, और खुद से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप एक बार खुद से समझ गए ना तो आपको किसी से पूछने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप हमारे ग्रुप में क्वाइज लगा सकते हो, और जिसकी तैयारी चुकी है, जिसने पहले से क्वाइज लगा के रखे हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं लगाने की। बाकी आप ग्रुप में इसलिए जुड़े रहिए क्योंकि वहाँ पर हमारे जो ग्रुप है वो एकदम क्लीन है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ वही चीज़ें देते हैं जो आवश्यक है और जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो किसी भी कोचिंग की हो। और हम किसी भी कोचिंग की PDF नहीं देते हैं, ये आपको बता रहे हैं, जितना भी कंटेंट हम देते हैं हम हमारा ही देते हैं, और हमें जो फ्री PDF दी जाती है वही हम ग्रुप में देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी कोचिंग की PDF आप हमसे कृपया करके ना मांगिए, क्योंकि हम नहीं दे पाएंगे।
और जो हम देते हैं वो आप देख सकते हो वहाँ पर, और बाकी ये फाइल सेक्शन में जाकर भी आपको ढेर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।